नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कुछ घंटों में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले गुरुवार को मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक होंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी प्रस्तावक के रूप में शामिल होंगे। तो आपको बताते चले कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू का नाम फाइनल कर दिया है। भाजपा ने मंगलवार को द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ये घोषणा की थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में पहली बार किसी महिला आदिवासी प्रत्याशी को राष्ट्रपति पद के लिए वरीयता दी गई है। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बाद भारत को द्रौपदी मुर्मू के रूप में दूसरी महिला राष्ट्रपति मिलेगी। साथ ही आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की मूल निवासी हैं और उन्होंने 2015 और 2021 के बीच झारखंड के राज्यपाल का पदभार भी संभाला है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी रही हैं। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो भारत के शीर्ष संवैधानिक पद पर काबिज होने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि एनडीए ने एक बड़ा दांव खेलते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अगर इनकी हम जीवन का इतिहास देखें, अगर द्रौपदी मुर्मू के इतिहास को देखें, तो इनका जो जीवन है वो बेहद ही संघर्ष भरा रहा है। इन्होंने अपने जीवन में बेहद ही संघर्ष किया है और कड़ी मेहनत और लगन के बाद वो आज इस पद पर पहुंचने के काबिज हो पाई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद उनका नाम सुझाव के तौर पर दिया गया था। तो साफ तौर पर कहा जाए कि आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एनडीए ने एक बड़ा दांव खेला है। लेकिन इस बीच एक अहम जो बात निकल के सामने आ रही है वो ये है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बाद भारत को द्रौपदी मुर्मू के रूप में दूसरी महिला राष्ट्रपति मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अगर देखा जाए तो आज राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी, तो तकरीबन कितने बजे का समय निर्धारित किया गया और कौन कौन सा नेता उनके साथ मौजूद रहेगा? जी विभांशु, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि आज राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसको लेकर भाजपा ने पूरी तैयारी भी कर ली है। अगर खास तौर पर यह देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात यह निकल के सामने आ रही है कि देश में पहली बार किसी महिला आदिवासी प्रत्याशी को राष्ट्रपति पद के रूप में वरीयता दी जा रही है। तो एक बार फिर हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, अगर देखा जाए तो आज राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगी, तो तकरीबन कितने बजे का समय निर्धारित किया गया है उनके नामांकन को लेकर और इस दौरान उनके साथ भाजपा के कौन से शीर्ष नेता है जो मौजूद रहेंगे? जी विभांशु, हमारे संवाददाता से फिर से हमारा संपर्क टूट गया, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो आपको बताते चले कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए पद की उम्मीदवार बनाई गई है और जो आज नामांकन भी दाखिल करेंगे। और एनडीए की उम्मीदवार, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज 12 बजे, यानी कि 12 बजे वो आज अपनी उम्मीदवारी। जी विभांशु, हेलो, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो आज एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन करेंगी, जिसको लेकर भाजपा द्वारा सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। लेकिन एक बड़ी बात और खास तौर पर यह बात देखने वाली है कि पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए किसी आदिवासी प्रत्याशी को एनडीए द्वारा वरीयता दी गई है। सिर्फ एनडीए ही नहीं, आज ये पहली बार ऐसा होगा जब राष्ट्रपति पद के लिए कोई दलित आदिवासी महिला नामांकन दाखिल करेगी।
वही अगर बात करें तो जब राष्ट्रपति मुर्मू बीते दिनों दिल्ली पहुंची तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के जितने भी शीर्ष नेता हैं उनके साथ मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक बार फिर इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, अगर देखा जाए तो आज राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, तो क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है उनके नामांकन के लिए? साथ ही साथ इस दौरान भाजपा के कौन से शीर्ष नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे? जी मुस्कान, आपको बता दें कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल और एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज 12 बजे अपने नामांकन को दाखिल करेंगी। वहीं आपको बताएं कि इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कैबिनेट के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी की तरफ से भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन दिया गया है, और समर्थन के दौरान वो मौजूद नहीं रहेंगे, मगर उनकी पार्टी के दो कैबिनेट के दिग्गज नेता आज उनको समर्थन देने आएंगे। वहीं आपको बताएं कि ओडिशा, यानी कि जहां द्रौपदी मुर्मू जहां से आती है, और साथ ही साथ वो बीजेडी के साथ यानी कि नवीन पटनायक की सरकार में उन्होंने मंत्रिमंडल का हिस्सा रही है, तो उनके जो तो नवीन पटनायक इस समय देश के बाहर है, तो उनकी पार्टी के दो उनके कैबिनेट के नेता मौजूद रहेंगे द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में। वहीं आपको बताएं कि प्रस्तावक के तौर पे पहले प्रस्तावक शिवराज सिंह चौहान यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रस्तावक के रूप में पहले प्रस्तावक बने हैं, और वहीं शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इसके लिए जानकारी दी कि बेहद गर्व की बात है कि एक आदिवासी जनजाति अब देश के महामहिम बनने की रेस में है और इसका सौभाग्य मुझे मिला है, तो अपना धन्यवाद अर्पित हुए नजर आते हैं। वहीं आपको बताएं कि नामांकन की तिथि 29 तारीख है और आज नामांकन एनडीए के प्रत्याशी कर रहे हैं, जो द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन करेंगी। वहीं आपको बताएं कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी जल्दी नामांकन करेंगे। वहीं आपको बताएं कि द्रौपदी मुर्मू जो कि ओडिशा से आती हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं भाजपा ने एक आदिवासी जनजाति को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर, जो कहा जाता है कि देश पर सबका एक समान अधिकार है, तो पिछले उम्मीदवार के साथ साथ इस बार के उम्मीदवार जो बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं जो जाति जनजाति आदिवासी समाज है उसके लिए बेहद गर्व का दिन है, क्योंकि उन्हें भी देश में एक पहचान मिल रही है और देश के सर्वोच्च पद पे उन्हें संभालने का जिम्मा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज देखे तो माना ये जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का महामहिम बनने का जो रास्ता है वो साफ है, क्योंकि अगर देखे वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से तो जो पक्ष है वो एनडीए मजबूत दिख रहा है। अब चुनाव के बाद ये साफ हो पाएगा कि राष्ट्रपति कौन बनता है, मगर आज नामांकन के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वही आपको बताएं कि जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री और साथ ही उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नामांकन में जा रहे हैं। वही केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों के आज पूरे लैस के साथ आज द्रौपदी मुर्मू अपने नामांकन के लिए जाएंगी और नामांकन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। जी विभांशु, का देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा दाव खेला है, साथ ही ये भी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाकर 2024 का रास्ता भी साधने का पूरी तरह से प्रयास किया है। जी बेशक, आपने देखा मुस्कान कि 2019 के चुनाव में भाजपा के लिए जो राष्ट्रपति उम्मीदवार थे, साथ ही साथ उसके जो जातिगत समीकरण है वो कहीं ना कहीं सार्थक साबित हुए थे। उसी क्रम में 2024 की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसको सेमीफाइनल मान के लड़ी और उसमें उसने बेहतर प्रदर्शन भी किया। उसी क्रम में आपको बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद कहीं ना कहीं जो आदिवासी जनजाति समाज है वो अपने आप को देश से अलग थलग सा महसूस करता था, खासकर अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर की 7 बहनों का राज्य, बात की जाए 7 सिस्टर्स की, तो 7 सिस्टर्स के अंदर में कहीं ना कहीं जो एक दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अन्य राज्यों से अगर तुलना की जाए तो उसके लिए बहुत ही एक अलग नजर से देखा जाता। तो मगर राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाकर जो कि ओडिशा से आती है, तो इन सभी राज्यों जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसका मान बढ़ा है। उसी को मैं आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू को
जेड सिक्योरिटी से लैस भी कर दिया गया है। जी मुस्कान, धन्यवाद दिव्यांशु इस खबर पर जुड़कर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो आज द्रौपदी मुर्मू तकरीबन 12 बजे के अराउंड अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के शीर्ष नेता भी मौजूद रहेंगे। लेकिन दिव्यांशु ने इस दौरान एक बड़ी बात बताई कि उनके नामांकन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद शिरकत करेंगे। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों की पिटाई करने वाले आरपीएफ के 2 जवानों को छात्रों के विरोध के बाद विश्वविद्यालय के एक प्रोक्टर की शिकायत पर निलंबित कर दिया गया है। दरअसल एएमयू में पढ़ने वाले पश्चिम बंगाल के कुछ छात्र अपने परिजनों को छोड़ने स्टेशन गए हुए थे, तभी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के कुछ जवान आते हैं और उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है। ऐसा कहते हुए वो उनके पिटाई करना शुरू कर देते हैं। वही पिटाई के दौरान कुछ छात्र किसी तरह रेलवे स्टेशन से भागकर एएमयू परिसर में पहुंच जाते हैं, जहां से वो अन्य छात्रों को अपने साथ रेलवे स्टेशन पर ले जाते हैं ताकि छात्रों को छुड़ाया जा सके। ट्रेन पे 3 लड़के गए थे जिनमें एक का नाम शाहिदुल इस्लाम, एक का सादिकुल इस्लाम और एक का अब्दुल्ला नाम है। इन 3 लड़कों के साथ आरपीएफ के पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट किया, उनको मारा पीटा और उसको लेकर के लड़कों में काफ़ी जोश था। तो हमने उसकी शिकायत जो आरपीएफ को डीआरपी के अधिकारी हैं उनसे किया, उन्होंने फॉर्म में इसका नोट किया और जो आरोपी पुलिस है उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको सस्पेंड कर दिया। कानपुर सिख दंगे में बनी एसआईटी ने 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के ऊपर हुए अत्याचार और नरसंहार मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एसआईटी ने किदवई नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी की थी। इस दौरान वहां से पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिनके ऊपर संबंधित थाना क्षेत्र में पहले से ही मुकदमा दर्ज है। वही एसआईटी के डीआईजी ने बताया है कि पुलिस ने 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और अभी तक 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 68 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है जिनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। अभी तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वर्ष 84 के सिख विरोधी दंगों के अभियुक्त हैं जो किदवई नगर क्षेत्र में घटित घटनाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है और उसी मुकदमे से संबंधित है जिसमें अभियुक्त इसके पूर्व में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। क्राइम नंबर 368/84 थाना किदवई नगर। आपको बताते चले कि 1984 में सिख दंगों में लगातार कार्रवाई की जा रही है, अत्याचार और नरसंहार मामले में पुलिस द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया है। वही कई अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है जिनकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। तो कानपुर सिख दंगे में बनी एसआईटी ने 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के ऊपर हुए अत्याचार और नरसंहार मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वही अगर जानकारी की माने तो एसआईटी ने किदवई नगर थाना क्षेत्र में ये छापेमारी की थी। इस दौरान वहां से कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिनकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वही एसआईटी के डीआईजी ने इस मामले में बताया है कि पुलिस ने 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और अब तक इस मामले में 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो 1984 में जो अत्याचार और नरसंहार हुआ था उस पर पुलिस द्वारा लगातार एक्शन जारी है, तो क्या कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई? सिख दंगा नवासी को जो हुआ था उसको लेकर जो है कि जो सिख दंगा का एक जो पुलिस जो है उसको अलग बनाई गई है जिसमें आईपीएस भी हैं और जो दरोगा भी है उसको गिरफ्तारी लगातार जारी है। कल जो किदवई नगर में जो आरोपी थे उनके 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें किदवई नगर पुलिस ने और उसके बाद देखा जाए तो कर्नलगंज पुलिस और उसके बाद जो है फजलगंज पुलिस, देखा जाए तो टोटल जो है कल की डेट में 8 जो आरोपी थे पुराने उनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उपेन, लेकिन अगर देखा जाए तो एक लंबा समय होता है जब न्याय का लोगों को इंतजार करना पड़ा, तो आखिर इतना लंबा समय क्यों लिया गया पुलिस द्वारा?
जी आपको बता चला कि जो ये मामला था, जो सिख दंगे वाला मामला जो था, ये न्यायालय में विचाराधीन था, उसके बाद कोर्ट से सुप्रीम, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, उसकी जब सुप्रीम कोर्ट के बाद, उसके बाद जो ये एक जो है उन्हीं कमेटी जो है वो एक अलग कमेटी बनाई गई है, उसको लेकर के जो पुलिस कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी समय लिया, और उस दंगे में जो देखा था लगभग जो है 70 से जो अधिक जो आरोपी थे उनके जो गिरफ्तारी होकर जेल भेज आ चुके हैं। लेकिन उपेंद्र, अगर देखा जाए तो अभी भी कई ऐसे आरोपी है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो आखिर पुलिस उनकी गिरफ्तारी किस तरह से करेगी? जी आपको बता चले जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है लगभग उसमें देखा जाए तो 40% जो आरोपी थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो खत्म भी हो चुके हैं, और उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए पुलिस पहले विवेचना में चार्जशीट लगा चुकी थी, इसको लेकर पुलिस जो है कार्रवाई करने में पुलिस को काफी समय लग रहा है। धन्यवाद उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी संवेदनशील स्थानों पर पीएससी की तैनाती की गई है, जबकि रात से ही अधिकारी लगातार प्रदेश के सभी जनपदों में गश्त कर रहे हैं। संबंधित थाना प्रभारियों को क्षेत्र के संवेदनशील जगहों पर गश्त और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बताते चले कि पूर्व में भारत बंद की अफवाह को देखते हुए पिछले 2 शुक्रवार से प्रदेश के कई जिलों में काफी सतर्कता बढ़ती जा रही है, जबकि पिछले जुमे पर भी पुलिस प्रशासन काफी सतर्क मोड पर था। इस बार भी अपनी तरफ से कोई लापरवाही बरतने के मूड में आला अधिकारी नहीं नजर आ रहे हैं, यही वजह है कि इस बार भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, 5 जनपदों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बुलंदशहर, अलीगढ़, उन्नाव, रायबरेली और लखीमपुर खीरी शामिल है, जहां पर आज जुमे की नमाज होने वाली है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरह से मुस्तैद है। साथ ही इन सभी जनपदों में फ्लैग मार्च भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिससे जो जनपद की जनता है उन्हें सुरक्षा का एहसास कराया जा सके। पिछले कुछ हफ्तों से कतिपय इश्यूज को लेकर कहीं कहीं संवेदनशीलता बनी हुई है, जिसके मद्देनजर प्रत्येक जिले में फ्लैग मार्च अथवा फुट पेट्रोलिंग का आयोजन कराया जा रहा है और हर स्तर के अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वो इसमें सहभागिता करें। आज इसी क्रम में उन्नाव जिले में इस मेन मार्केट चौराहे में और अंदर के स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। हमारे जितने भी दंगा नियंत्रण उपकरण हैं, वाहन हैं, इन सबको इस फ्लैग मार्च में इंक्लूड किया गया है। इस फ्लैग मार्च का पर्पस ये है कि जिला में इसी पर्पस की है और कल हमारी तैयारी हुई है और सारे लोग मोबाइल में रहेंगे और चूँकि हमारे पास एक्स्ट्रा फोर्स है सबको डिप्लॉय कर दिया गया है, किसी तरह की कमी नहीं है और मीडिया में भी मीडिया ऑफिसर की तरफ से जो अफवाहें फैलाने वाले हैं उनसे निगाह रखी जा रही थी। आज सभी जगहों पे जो सामान्य रूप से हम लोग अलग अलग घटनाओं को देख रहे हैं और जगह जगह पर देश के अलग अलग जगहों पर जो संवेदनशील स्थितियाँ कभी कभी सामने आती हैं, तो उसी के दृष्टिगत हम लोग ने एक ये ड्रिल बनाया हुआ है कि समय समय पर फ्लैग मार्च सभी जगहों पर होता रहे और जो हम लोग का डिप्लॉयमेंट है पुलिस ड्यूटीज का संवेदनशील स्थलों पर वो उसको चेक करा जाए। जुमे की नमाज को देखते हुए हमारा अलीगढ़ शहर जो एक संवेदनशील शहर है, इसीलिए शहर के पुराने क्षेत्र में लोगों से संवाद स्थापित किया गया और यहाँ भ्रमण किया गया पुलिस के द्वारा और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की भावना को बढ़ाया गया। इसके अलावा कल किसानों का भी एक ग्रुप है जिसका कि प्रोटेस्ट का इन लोगों का है, तो उसको देखते हुए भी कि शहर के लोगों को, व्यापारियों को, अन्य लोगों में कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ी रहे और किसी भी प्रकार का अफवाह पर ध्यान नहीं रहे, इसी के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। देख सकते हैं किस तरह से आज जुमे की नमाज होने वाली है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं, साथ ही लखीमपुर खीरी से धीरज जुड़ चुके हैं। अजय, अगर देखा जाए तो आज जुमे की नमाज होने वाली है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? तो डीएम और एसपी ने पैदल मार्च भी किया था और आज यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ रायबरेली जनपद के लालगंज में, जो कि बुदाबाद खिजा चौराहे की, तो यहाँ पे चप्पे पुलिस तैनात है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जिस तरीके से पुलिस बल तैनात है। और बात की जाए जुम्मे को, तो जो 1:30 से 2 बजे तक जुम्मा होगा उसको लेकर पुलिस में कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में दिख रही है। और अगर बात की जाए अग्निपथ योजना को लेकर, तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसी आड़ में लेकर जो युवक है जो उतरते हैं मैदान पर, उसी को लेकर आज इतना हाई अलर्ट है।
धीरज, अगर देखा जाए तो आज वहां पे जुमे की नमाज होनी है, जिसको लेकर शहर काजियों की भी मदद ली जा रही है, तो लखीमपुर खीरी के शहर काजी ने क्या कुछ लोगों से अपील की है नमाज को लेकर? जी धीरज, पूरी तरीके से जो जिला प्रशासन ने उसको आश्वस्त किया है कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा कोई बात विवाद या कोई बिल्कुल शांतिपूर्वक हम लोग जुमे की नमाज अदा करेंगे, और कोई भी ऐसा अराजक तत्व आता है तो पूरी तरीके से सूचना भी देंगे। वहीं अगर जिला प्रशासन की हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था एक दिन पहले से ही तैनात की जाए, बाकायदा जिले के जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो, चाहे एडिशनल हो, पूरी तरीके से रोडों पर निकल रहे हैं, हर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, और वहीं पर अगर जो ड्रोन कैमरे से भी सुरक्षा व्यवस्था की बाकायदा निगरानी की जा रही है लखीमपुर खीरी में। आज अगर देखा जाए तो पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में खास तौर से निगरानी की जा रही है, तो किस तरह से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है? आपको बता दो कि यहाँ पे संवेदनशील जो इलाके हैं वहाँ पे चप्पे चप्पे पुलिस तैनात है, जो कि बताया गया है कि मस्जिद से 1 किलोमीटर तक ना कोई गाड़ी खड़ी होंगी, ना कोई चारपहिया खड़े होंगे, और ना कोई दुकानें लगेंगी। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं धर्मगुरुओं से बात की जा रही है, और हिंसा ना फैलाने की जो बात चल रही है वो लगातार धर्मगुरुओं से बात करके पीस कमेटी बैठक हो जाए, उसको बुला बुला के सब जगह बताया जा रहा है कि किसी तरीके का कोई विवाद ना हो, और लगातार समझाया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस रायबरेली जनपद में पूरी तरह तैनात है और चप्पे चप्पे पुलिस तैनात है। जी धीरज, अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी में नमाजियों के लिए क्या कुछ पुलिस द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है उनके नमाज को लेकर? जी बिल्कुल, जो जो धर्मगुरु हैं या मुस्लिम समाज के रहनुमा हैं उनसे बाकायदा बैठक करके बात की गई है, उनको निर्देशित भी किया गया जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन जो रहनुमा जो धर्मगुरु हैं उन्होंने पूरी तरीके से जिला प्रशासन को आश्वस्त भी किया है, और अगर सुरक्षा व्यवस्था के बाकायदा जो ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं हर मस्जिद जहाँ जहाँ भी नमाज पढ़ी जानी है वहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ी भी चूक नहीं होने देना चाह रहा है इस बात। आज अगर देखा जाए तो उस वक्त जो मस्जिद के बाहर का माहौल क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कैसी तस्वीरें वहाँ से निकल के सामने आ रही है? मस्जिद के बाहर की बात की जाए तो यहाँ पर चंद कदम दूर मस्जिद है, वहाँ पर भी पुलिस फोर्स तैनात अधिकारी मौके पर है, यहाँ पर उप जिला अधिकारी भी हैं और सीओ महिपाल पाठक भी हैं, जिस तरीके से बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई है, यहाँ कोई विवाद नहीं हो पाए, जो जुम्मे की नमाज है उसको पढ़कर यहाँ पर जो लोग हैं जो अपने अपने घर जाएंगे, उसके लिए भी निवेदन भी किया जा रहा है, समझाया भी जा रहा है कि नमाज पढ़ने के बाद लोग अपने घर जाएं ताकि किसी भी प्रकार का कोई वो ना बन सके। धीरज, अगर देखा जाए तो बीते 2 हफ्तों से जब भी जुम्मे की नमाज होती है तो अग्निपथ योजना के खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू हो जाता है, तो उसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां की है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस के सामने 2 चैलेंजेस निकल के सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस ने सारी तैयारियां की हुई है, चप्पे चप्पे पर हर चौराहे पे जो है अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी चूक होने न पाए। लेकिन अगर इससे पहले हम शुक्रवार की जुमे की नमाज की बात करें तो बिल्कुल लखीमपुर खीरी में शांति व्यवस्था बिल्कुल बरकरार रही थी, कहीं भी तो छोटी सी छोटी भी घटना नहीं हुई थी, लेकिन पूरी आज भी जुमे की नमाज है, जो जिला प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट है, कहीं छोटी सी भी छोटी कमी ना आए, इसलिए जो कल से ही धर्मगुरुओं के साथ बैठक करने के बाद में पूरी तरीके से रोडों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है, हर सेक्टर बार जो है सुरक्षा व्यवस्था बांटी गई है, ड्रोन कैमरे भी बाकायदा चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, आज अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी में बीते हफ्ते जो जुम्मे की नमाज थी वो बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई, लेकिन रायबरेली से कैसी तस्वीरें पिछले जुम्मे की नमाज को निकल के सामने आई थी? कि जिस तरीके से जुम्मे की बात करा जाए तो फिर इसकी बात की जाए तो पिछले जुम्मे से लेकर अभी तक की जो 4 जुम्मे आज चौथा जुम्मा है 3 जुम्मा निकल चुके हैं उसको लेकर बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया है, यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज पढ़ी गई है। और अब बात की जाए तो अभी तक पुलिस के पास एक चैलेंज था, ठीक है, वो चैलेंज था कि जो है उपद्रवियों के जो जुम्मे की नमाज को लेकर है, अब पुलिस के पास जो है अब 2 चैलेंज हो गया, एक अग्निपथ योजना को लेकर भी चैलेंज हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी का फायदा उठाकर जब पुलिस प्रशासन दस्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं अग्निवीर की जो योजना है उसके विरोध में यहाँ पर युवक मैदान में उतर पड़ते हैं। लेकिन अभी तक आज रायबरेली जनपद की बात की जाए तो ऐसा फिलहाल देखने को नहीं मिला है कि कोई भी युवक अग्निपथ योजना में उतरे हों। अगर देखा जाए तो जब भी कोई ऐसी हिंसा की खबर सामने आती है तो उसमें सोशल मीडिया का बहुत ही बड़ा हाथ रहता है, दंगे को भड़काने में, लोगों को बरगलाने में, तो जो सोशल मीडिया है उस पर किस तरह से लखीमपुर खीरी में नजर रखी जा रही है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर जो साइबर क्राइम के द्वारा पूरी नजर बनाए हुए जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप लोग बनाए हैं उन पर पूरी तरीके से नजर बनाए है, हर एक जांच करके बाकायदा निर्देश भी दिए गए थे, मीडिया सेल के द्वारा निर्देश बाकायदा जारी किए गए थे कि अगर
सोशल मीडिया पर कोई छोटी सी ब्रांच तो बिल्कुल पुलिस अधीक्षक को सूचना दी जाए या नजदीकी पुलिस चौकी हो या थाने कहीं ना कहीं सूचना। लेकिन जो सोशल मीडिया के लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई अभी तक आपत्तिजनक टिप्पणी या नहीं पूरी तरीके से प्रशासन जो है पालन करवा रहा है। जी धन्यवाद अजय रायबरेली से और धीरज लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़कर जुमे की नमाज को लेकर वहां का माहौल बताने के लिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से लखीमपुर खीरी और रायबरेली में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है ताकि जुम्मे की नमाज जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जा सके। तो आज आपको बताते चले कि 3 जून को जो हिंसा हुई थी उसको लेकर हर जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है ताकि किसी भी जनपद से किसी भी तरह की हिंसा की कोई खबर सामने ना आना पड़े। क्योंकि 3 जून के बाद से ही जो अगली जुमे की नमाज थी पूरे प्रदेश ने हिंसा की तस्वीरें देखी थी, पूरा प्रदेश दंगे का गवाह बना था कि किस तरह से उपद्रवियों ने कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद समेत प्रदेश के कई जनपदों में जमकर उत्पात मचाया था। वही अब इस उत्पात की तस्वीरें दोबारा प्रदेश को ना देखनी पड़े जिसको लेकर पुलिस प्रशासन खुद भी मुस्तैद है। वहीं अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद जुमे की नमाज के दिन सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर अपनी नजर बनाए रहते हैं। गाजियाबाद के हाईवे 58 रोड से निकलने वाली रैपिड ट्रेन की लाइन के निर्माण कार्य से हाईवे से सटे 20 से 25 मकान और दुकानें बुरी तरह से जर्जर हो गई जिससे लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। वह इस मामले पर स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके मकान और दुकानों में जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान किया जाए और अगर उनका भुगतान नहीं किया गया तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और रैपिड ट्रेन लाइन का निर्माण कार्य पूरी तरह से रोक देंगे। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष टिंकू चौधरी उर्फ दुहाई ने हाईवे से सटे मकान और दुकानों के स्वामियों की आवाज बुलंद की है और स्थानीय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े टिंकू चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने रैपिड ट्रेन के सिविल इंजीनियर से कई बार इस मामले को लेकर बातचीत भी की है और स्थानीय लोगों के नुकसान को लेकर मुआवजे की भी बात की, जिसके बाद सिविल इंजीनियर गौरव मल्होत्रा द्वारा स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया और उन्होंने 5,50,000 रुपए का चेक भी दिया। लेकिन लोगों का आरोप है कि सिविल इंजीनियर द्वारा उन्हें सिंडिकेट बैंक के फर्जी चेक दिए गए। वहीं दूसरी तरफ रैपिड ट्रेन की लाइन का निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों का कहना है कि ठेकेदारों ने उनका पैसा भी रोक रखा है जिससे उन्हें काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक मकान आगे ऐसा है, 2-3 मकान ऐसे हैं गली में कि जो पहले उनमें ट्रैक्टर भी चले जा सकते थे, गाड़ी भी जाती थी, साथ में निकल गया ट्रक भी जाता था, लेकिन इनका पिलर उसके मकान के सामने है, अब सिवाय बाइक जा सकती है उसमें। उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि सब लोगों ने सपोर्ट किया, इनका काम नहीं रोका। ये जब हमारा विरोध था जब ये नीचे था और आज ये नीचे से ऊपर इतना बड़ा खड़ा हो गया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। अब इसके मात्र इनके 2 महीने में सारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद में कहाँ ये किसान कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इनका तो ऑफिस बंद हो जाएगा या काम खत्म हो जाएगा, कहाँ जाएंगे उसके बाद में, कोई सुनवाई तो करेगा नहीं। तो अब हमारा ये कुल मिलाकर के आपको आश्वासन ही मिल रहा है? आश्वासन अब हमारा ये निर्णय है कि काम हम जब यहाँ से जब चलने देंगे तब हमारा मतलब पैसे मिल जाएंगे सभी लोगों को, जो चेक दिए हैं वो चेक के पैसे मिले। शाहजहांपुर के चिनौर स्थित भाजपा विधायक चेतराम पासे के कार्यालय पर जनसुनवाई हुई। इससे पहले भी भाजपा विधायक ने जनसुनवाई कर लोगों की समस्या का समाधान किया और इलाके के सभी लोग जनसुनवाई में हमेशा पहुंचते हैं। इस बार भी हुई जनसुनवाई में विधायक ने फरियादियों की बात को सुना, साथ ही साथ लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए जिम्मेदारों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि विधायक उनकी समस्याओं को सुनने के साथ साथ परेशान को हल भी करते हैं। समस्या होती है हमारे विधायक के पास, पहली बात तो हम गांव में अपने आप ही निस्तार कर देते हैं, तो कोई समस्या फंसती है तो हम विधायक जी के पास आते हैं, हमारी जो भी समस्या होती है वो हल होती है। तो आज किस तरीके से आप आए थे? क्या आज तो इन्हें मिलने आए हैं, काफी दिन से मिल नहीं पाए, हमारी तबीयत खराब थी कुछ, तो हमारी इच्छा थी कई बार विधायक जी से मिलना है, तो आज हम इन्हें मिलने आए हैं। हमारे भाई जिला पंचायत क्षेत्र बुआया प्रथम से मेरी पत्नी श्रीमती गुड्डी देवी जिला पंचायत सदस्य है, मैं वहाँ लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, निराकरण कराते हैं। अगर जो समस्या का निराकरण हमसे नहीं हो पाता है तो मैं अपने आदरणीय अपने क्षेत्र के विधायक जी के पास आता हूँ, उनके पास समस्या का बताकर निराकरण लोगों का कराते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाते रहते हैं, उनसे कहते हैं जो भी समस्या है उसे बताओ और हमसे नहीं सुनती है तो माननीय विधायक जी के द्वारा सुलझाई जाती है और निराकरण कराते हैं।
देखिए, हमारी सरकार द्वारा जो भी जनता के हित की योजनाएं या कार्यक्रम चल रहे हैं वो पूरी तरीके से उससे हमारी जनता संतुष्ट है, और कहीं पर भी कोई अगर अनियमितता पाई जाती है, मेरे संज्ञान में आती है, तो मैं खुद उसका संज्ञान लेके संबंधित अधिकारी से वार्ता करता हूँ। गोंडा के नारायणपुर कला में 5 साल पहले बने 7,52,000 से बना आंगनबाड़ी केंद्र अब जर्जर हो गया है, जबकि इस भवन का निर्माण साल 2016 और 17 में करवाया गया था, जिसकी हालत अब बेहद ही जर्जर हो चुकी है। वही भवन बनने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र एक दिन भी संचालित नहीं किया गया। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र की फर्श से लेकर दीवारों का प्लास्टर टूटकर जमीनों पर गिरा हुआ है और लगातार गिरता हुआ नजर भी आ रहा है। वह इस मामले को लेकर नारायणपुर कला के प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर नियामत उल्लाह ने बताया कि जब से आंगनबाड़ी केंद्र बना है तब से उसमें आज तक कोई नहीं गया, और महज कुछ साल बाद ही भवन की स्थिति अब देखने लायक भी नहीं है। बना तो था जरूर सर, लेकिन ये जो है अब बिल्कुल ध्वस्त कराकर ही काम आया गया, क्योंकि उसमें बच्चे नहीं जाते हमारे डर के, उसमें बैठने के योग्य है ही नहीं। आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कब हुआ था सर? पहले पंचवर्षीय योजना में हुआ था। लगभग कितने साल हो गए सर? लगभग में हो गए 6-7 साल। 6-7 साल हो गए सर, मरम्मत योग है ही नहीं। तो बच्चे कहाँ बैठते हैं आंगनबाड़ी के? बच्चे सर वो प्राइमरी जो बगल में स्कूल है सर उसी में बैठते हैं, और उसमें बच्चे जो जाएंगे तो सर वो कभी भी गिर सकता है। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में सिद्धार्थ विहार में स्थित बाबा गोरखनाथ पंचमुखी हनुमान कुटी में रहने वाले बाबा योग हरिनाथ आज विजयनगर थाने पहुंचकर अपनी शिकायत करने पहुंचे। योगी हरिनाथ का कहना है कि राशिद और सुभाष नाम के व्यक्ति उनके आश्रम में आए और उन्हें गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया। एक कपड़े का फंदा बनाकर सुभाष में उनके गले में हाथ डाल दिया और व्यक्ति ने उनके हाथ भी पकड़ लिए। इसी मामले में आज योगी हरिनाथ अपने अन्य साधु साथियों के साथ विजयनगर थाने पहुंचे और पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं योगी हरिनाथ की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, साथ ही साथ मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। कि 16 तारीख की रात में मेरे साथ में सुभाष और राशिद ने मिल करके मेरे को बांध करके मारा और मेरे फांसी लगा रहे और कह रहे हैं तुझे जान से मार देंगे, यहाँ से खाली कर डेरा भाग। और जो है पुलिस में रिपोर्ट करी हमने, पुलिस जो है कम धाराओं में उसका जो है FIR में नाम कम धाराओं में उसको जेल भेज रही है। मुझे इससे जान का खतरा है और पुलिस उसका सपोर्ट कर रही है। बलरामपुर में बूढ़ी मां महीनों से लापता बेटे के लौटने की राह देख रही है। करीब 8 महीने पहले युवक अपनी पत्नी से हुए विवाद के बाद घर से लापता हो गया था, और अब उसकी मां बेटे के इंतजार में एक एक दिन काट रही है। बूढ़ी मां ने पुलिस को सूचना दी तो गुमशुदगी का मामला थाना कोतवाली देहात की पुलिस ने दर्ज कर लिया है, लेकिन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह एक माँ की ममता लगातार अपने बच्चे को तलाशती हुई नजर आ रही है। जहाँ पत्नी से हुए विवाद के बाद एक बेटा अपनी माँ को अकेला छोड़कर चला गया था, जिसकी आस में मां लगातार एक एक दिन गुजार रही है कि आखिर कब उसका बेटा वापस लौट के आएगा, और इस घटना को करीब 8 महीने का समय भी बीत चुका है। महीनों से लापता बेटे की राह देख रही बूढ़ी मां की आंखें। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बलरामपुर जनपद के महादेव मिश्र लुचुया गांव की, जहां 25 वर्षीय बेटा लापता हो गया और बूढ़ी मां की आंखें उसकी राह देख रही है। बूढ़ी मां का कहना है कि हम पत्नी से वाद विवाद घरेलू विवाद करके बेटा लापता हो गया और 8 माह हो गए, उसे उसका कोई पता नहीं लगा। आइए हम उसी बूढ़ी माँ से बात करते हैं, क्या मामला था। माता जी, क्या नाम है आपका? सीता देवी। सीता देवी, क्या मामला था? बेटा कब से गायब है आपका? आज वरवा महीना 14 तारीख गायब बा भैया, 8वां महीना चला था। हाँ, कोई पता नहीं चला उसका? उसका ना कुछ, ना फोन, ना पता। पुलिस को सूचना दी थी आपको? लिखाया पुलिस का सूचना दी, औरत दी, हमारी बिटिया दी,
पैसा कहा गा हाल द्वारा गा रोवा गवा थानिया मैं लेकर गया उनके बुआ फूफा लगा। क्या क्या उम्र थी राजन की? आए? क्या उम्र थी राजन की? राजन के उम्र 25-26 साल के हैं। तो क्या ऐसा मामला हुआ था जो चला गया? अब तो दोनों पुरानी कुछ आप कही था दोनों आपस में या कुछ हुए कहीं कुछ हुए कहीं पानी बरसत रहा मर मजूरी नहीं लागत रहा तब खाए पिए में तंगी रहा किराए घर रहा उनके आशीष भैया गुप्ता पहिया घर रहा करावल दिया रहन तो वही स्थिति तो कुछ तनी गड़बड़ से का कहना है। थोड़ी सी आहट होती है तो लगता है मानो मेरा बेटा राजन आ गया और वहीं जैसे ही सुबह होती है और शाम ढलती है फिर वही चेहरे पर मायूसी छा जाती है। अब देखना है कि बेटा कहाँ है और कब अपने अपने माँ के पास आता है और अपनी बूढ़ी माँ जो उसकी इंतजार कर रही हैं। प्राइम टीवी उत्तर प्रदेश बलरामपुर अमित कुमार। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।